बॉलीवुड में मुझे और मेरे परिवार को कभी क्रेडिट नहीं मिला। हमारा परिवार सिर्फ फैंस के प्यार के दम पर टिका हुआ है, ये कहना है अपने जमाने के सुपरस्टार रहे एक्टर धर्मेंद्र का, जिनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इन सब के बावजूद धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के बारे में यह बड़ी बात कही है कि उन्हें और उनके परिवार को बॉलीवुड में कभी उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल अपनी मार्केटिंग नहीं करते, उन्हें लगता है कि ना सिर्फ वो बल्कि सनी और बॉबी भी अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने के बावजूद भी आज तक उनके परिवार के काम को बॉलीवुड में कोई स्वीकार नहीं करता। धर्मेंद्र ने आगे कहा कि मेरे परिवार को कभी उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। हमारा परिवार सिर्फ फैंस के प्यार के दम पर बॉलीवुड में टिका हुआ है। इंडस्ट्री में मुझे भी कभी मेरे काम के लिए याद नहीं किया गया। वही 1959 में रिलीज हुई मेरी फिल्म सत्यकाम के लिए मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। धर्मेंद्र को ये सब कहना फैंस के लिए एक तरह से चौंकाने जैसा है। धर्मेंद्र फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के अलावा अब शाहिद कपूर और प्रीति सेनन स्टारर फिल्म में नजर आएंगे। वही बॉबी देओल रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल में खलनायक का किरदार निभाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सनी देओल ने फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर ही मचा रही है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।